सत श्री अकाल जी सारियां नूं। अज दा मेरा ब्लॉग हैगा आ कि मैं बाहर वॉक ते आई हां। पिछे देखी ते तुसीं डेकोरेशन कीती हुई है क्रिसमस दी। मैं उत्थे कोल नहीं जा सकती हैगी बिकॉज़ उत्थे गोरा फिरदा आ। ये करके सोचूगा कि पता नहीं क्यों आई है इधर नूं। सो मैं डरदी हां ते उहदे करके फिर मैं जांदी नहीं हैगी उधर नूं। वैसे मैं कदे बाहर इन्ना ब्लॉग बनाउंदी नहीं हैगी। अज फर्स्ट टाइम मैं बाहर ब्लॉग बनाउण लगी आ। मैं कभी लेकिन किसी सामने ना बोली नहीं हैगी। शाई जे होंगे जो तो असं फर्स्ट टाइम घर तो बहर असं इदा कोई चीज़ करते हैं ना तो फस्ट टाइम होंगे। वैसे थोड़ी ठंड हैगी है ना। दुपहरे मैं सोचा कि मैं वॉक पर जाके आऊँगी बट धुप भी बहुत ज़्यादा सी। बहुत सोहना वैदर सगा बट मैं आई नहीं हैगी। मैं थोड़ा काम सगा घर के वीडियो वगैरह एडिट करनिया यूट्यूब पर पाने रिकॉर्ड भी करनिया उन्हों की एडिटिंग वगैरह भी करनी सी तो वो करके फिर मैं बाहर निकली नहीं हैगी। सो एक मेरा इतने फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा घट हैगा या फ्रेंड सर्कल इन्ना भी घट नहीं है। बस दो चार कु फ्रेंड ने कुछ कु जॉब तो ने कुछ जॉब तो बाहर ने बट क्योंकि थोड़ा जो इतने फ्रेंड सर्कल नहीं होंगे है ना फिर थोड़ा इतने प्रॉब्लम आती है। एक तो थोड़ी फैमिली होंगी तो एक थोड़ा फ्रेंड सर्कल होंगे आ कि जिन्ना तुहाडा फ्रेंड सर्कल हुंदा है तुसीं उन्ना ज़्यादा फन करदे हो। मैं तो अपने आप नाल ही फन करती रहनी हाँ। आप तो खुल के रहीदा है जॉब वगैरह ते भी जदों भी फन करना या खुद ही करीदा है क्योंकि आप जो किसी के उपर डिपेंड रहन लग जाने किसी की वजह नाल फन करते हैं तो शायद अपनी लाइफ उदा नहीं चलती हैगी। फिर आप कहने कि साड़ी लाइफ किसी के सहारे चल रही है। जिनी लाइफ असं अपने आप नाल फन करके इंजॉय करांगे वह जी लाइफ कदे भी नहीं स्पेंड कर सकते है आप। सो मैं कदे कदे इधर बाहर आ जाती हूँ। वैसे वॉकिंग वगैरह तो जो आई दा है वैसे मोस्टली रात में ही आनी हूँ। मैं दिने तो नहीं कदे वॉकिंग तो आई नहीं हैगी। कदे ही हुंदा है कि समर के बहुत ज़्यादा वधिया लगता है इधर व्यू भी बहुत ज़्यादा सोहना हो जाता है। इधर घर पै जाते हैं तो इधर एक रिवर जाती है तो नाल एक ब्रिज जाता है बहुत ज़्यादा वधिया आ। कुछ जिन्हों का फ्रेंड सर्कल हों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते होंगे ने मैनू देख के होर वीडियोज़ बहुत वधिया लगता है कि हाई इन्हों का कितना वधिया फ्रेंड सर्कल आ। मेरा फ्रेंड सर्कल इधर है नहीं गा इंडिया मेरा वाधू सीगा बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल सीगा उत्थे असी वधिया बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। स्कूल दे विच भी इंजॉय किया कॉलेज दे विच भी असी इंजॉय किया ते उस तो बाद जॉब तो बाद भी जो कदे भी मिलते होंगे सके चाहे एक दो जाना ही मिलना हों फिर भी असं बहुत इंजॉय करते होंगे सी। चाहे असं मिलते ही पाँच मिनट लिए होंगे सके असं बहुत ज़्यादा इंजॉय करना असं पुरानी गल्ला सारिया दिड़ लैनिया कि हाए कितना वधिया टाइम हों। टाइम के नाल सब चेंज हो जाता है क्योंकि असं कॉलेज के होंगे सारे असी कहने हूँ कदम साड़ी स्टडी पूरी हो गई कितने असं फस गए बट जो असं बाद किसी होर लाइफ के पै जाने फिर सानू उदों फील हुंदा हुंदा कि हाँ जिहड़ी साडी पहली जिंदगी सीगी उह किन्नी ज़्यादा वधिया सीगी असीं किन्ना इंजॉय करदे हुंदे सीगे। उहो जी जिंदगी फिर सानू कदे भी नहीं मिलदी सिर्फ असीं मिस करदे रहिंदे आ उह दिनां नूं। मैनूं भी चार साल हो गए कैनेडा आई नूं। कैनेडा दे विच चार सालां दे विच अपने फ्रेंड्स नूं हर टाइम मिस करीदा आ। जदों बंदा इकल्ला हुंदा आ फिर उहनूं थोड़ा हो जांदा आ कि मेरा इधर कोई फ्रेंड नहीं हैगा। फ्रेंड हुंदे भी ने बट जदों असी उन्हां नाल इन्नी गल नहीं करते हैं क्योंकि इत्थे आके सारे बिजी ने कोई भी इत्थे फ्री नहीं हुंदा है। जदों तुसी फ्री होने उदों वह काम ते हुंदे ने जदों वह फ्री हुंदे ने उदों तुसी काम ते होने। इत्थे सब तो वड्डी जिहड़ी मेन प्रॉब्लम आ बट मैं कहनी फ्रेंड सर्कल होना चाहिए या सब तो होना चाहिए। मेरा फ्रेंड सर्कल तो नहीं है इन्ना क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गई हैगी। इतने जे मैं कॉलेज चली जाती तो शायद मेरा भी फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होना सीगा। फ्रेंड सर्कल ना होने करके ताई करके मेरे इन्ने फ्रेंड नहीं है जिन्ने के भी है ने लेकिन इतने फ्रेंड्स तो बिना भी कोई लाइफ नहीं है क्योंकि थोड़े फ्रेंड्स होने थोड़ी लाइफ के बहुत ज़्यादा जरूरी ने। तुम कुछ भी उन्होंने अपने दुख तकलीफ वगैरह सुख तुम सब कुछ उन्होंने शेयर कर सकते हो। अजकल वैसे फोनों पर ज़्यादा हो गया कि असी साढ़े को फोन आ असी फोन के ना सीधा गल कर लें बट जी आमो सामने बैठ के गल हों अलग तो होंगी वो फीलिंग कुछ अलग तो होंगी। आज तो बहुत ज़्यादा वधिया इन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की हुई है इस बार। सो जे तुहानू मेरा ब्लॉग वधिया लगे प्लीज़ मेरी वीडियो में लाइक तो शेयर जरूर कर दिए मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दिए। थैंक यू सो मच।